भाभी, इतने सालों से देख रही हूं मैं, मुंह बोली ने कभी भी हमारी कुहू की चिंता की जो इस बार करती? वो तो बस वहां नाच गाना कर रही थी। वहां सबको खुश देखकर कुहू को कितना बुरा लग रहा होगा ना? हाँ भाभी, वहां तो इतनी रोनके शोनके लगी और हमारी कुहू यहाँ अकेली बैठी, उसे बुरा तो लगेगा ही ना। भाभी, मैं तो साफ साफ बात कहती हूँ, ये सारे फसाद की जड़ ना वो मिष्टी ही है। नहीं, इसमें अबीर और मिष्टी की कोई गलती नहीं। मिसेस राजवंश है ना, वो जो भी करती है सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती है। उन्होंने ही अबीर को मनाया होगा और उनकी खुशी के लिए वो मान भी गया होगा। और मिष्टी अपने पति की खुशी के लिए। लेकिन इस सब में बात तो ये है कि कुहू की खुशी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कुणाल? उसके लिए तो एक भाई होने का फर्ज, एक बेटा होने का फर्ज एक पति होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो भी निभाए एक भाई होने का फर्ज, तो मैं भी एक माँ होने के फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। माँ? कुहू, आजा बेटा, आजा आराम से, आजा आराम से, हाँ बैठ बैठ मेरे पास। इसीलिए तो आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। पहले शायद मैं आपसे लड़ लेती, बट इसकी वजह से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ। जब मैं मिष्टी के बेबी के लिए इतनी प्रोटेक्टिव हूँ, तो आप मेरे लिए कितनी प्रोटेक्टिव होंगी वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा बच्चा कुहू, देख कुणाल अच्छा लड़का है, हमें कुणाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस चाची, मैं मम्मा की बात समझती हूँ, बट मम्मा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आज तक आई लव हिम। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे कुछ हो जाएगा। आराम से पानी ले, जस्मी पानी ले, क्या आराम से ले पानी, गो जल्दी, बस 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 वो तो ठीक है, पानी पी, पानी पी, पानी पी, पानी पी ले आराम से, पी आराम से बेटा, आराम से। तो ठीक है ना, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं मम्मा, मिल गया। क्या? अब आराम, आराम मिल गया। अरे वाह, घर में क्या खुशबू आ रही है, देखो तो जरा इसमें क्या क्या है। तड़के वाली दाल, अबीर के फेवरेट छोले भी, और कुणाल का फेवरेट ढोकला भी। बेनबा, आज तो पता चल गया कि आपका असली लाडला वही है। तो आपको कोई डाउट था क्या मामी? निधि, ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, मैंने दोनों बेटों की जो पसंदीदा चीजें हैं वो बनाई हैं। मैं भाई को बुला के लाता हूँ। हाँ कुणाल, तुम भी जाके उसको बुला के लाओ। वैसे भी उसको बुलाना मतलब ओखली में सर अपना कौन फोड़ेगा। निधि, मामी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भाई आराम से आ जाएंगे, मैं उन्हें लेके आता हूँ। बेनबा, आई एम सॉरी। मिष्टी, थैंक यू सो मच। माँ प्लीज। मिष्टी, तुमने मेरी आंखें खोल दी, इतनी बड़ी बात की है, इसके लिए बार बार थैंक यू सुनने की आदत डाल दो। थैंक यू सो मच। मिष्टी, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे का, आपका ग्रैंड चाइल्ड, उसे भी उसका हक जरूर मिलेगा। बेनबा, हम खाना कब खाएंगे? बस कुणाल अभी को ले आए, आप खाना खा लेना। ओ माय मदर, फिर तो हम सब भूखे मरेंगे। हाँ मिष्टी, भाई रूम में नहीं है। अभी अभी तो वही था, एक सेकंड, आई विल कॉल हिम। बिजी आ रहा है, उसे मैसेज कर दी थी। कोई बात नहीं माँ, कोई अर्जेंट काम होगा आ जाएंगे। अबीर का मैसेज, माँ से कह देना मुझे भूख नहीं है, जरूरी काम है करके आऊंगा। माँ, मैं और मिष्टी तो है ना, आप हमें खाना खिला दीजिए ना। जी माँ। थैंक यू। अबीर अभी भी मुझसे नाराज है ना? ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाएगा। अगर हम वर्षा आंटी को मना के कुहू को वापस ले आते हैं तो अबीर के पास नाराजगी का कोई रीजन ही नहीं रहेगा। मिष्टी, बट मम्मी तो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं। अगर माँ हमारे साथ चले तो? माँ, आई नो वर्षा आंटी ने आपसे बहुत रूडली बात की। नहीं, वर्षा जी ने मुझे बिल्कुल सही बात सुनाई थी और अब वो बात मैं बिल्कुल सही करके दिखाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ।
चलो। अभी तो तुम्हारी शादी है कि मैं मुहूर्त देखूं? देखो तो। अबीर की नाराजगी दूर हो जाएगी अगर हम कुहू को घर लेकर आएंगे, क्योंकि कुहू के बगैर हमारा परिवार अधूरा है। तो चलो। मैं भी कमन ढोकला खाओ। वन सेकेंड, अजीब राजवंश अपना दिल थाम लो, क्योंकि मैं कुणाल और माँ मिलके कुहू को वापस लाने जा रहे। खाना टेबल पे पड़ा है, खा लेना। बाय। माँ भी कुणाल और मिष्टी के साथ जा रही है। फोन उठाओ लड़ाकू छोकरो। नाराज रहने में लड़ाकू छोकरो हैशटैग एक्सपर्ट है। एक काम करती हूँ, मामी को फोन करती हूँ। माय मदर, बिन बातों चले के आप जो है मैं सुकून से सारे ढोकले खा सकती हूँ। वापस आ गई। मैं बिना ये तो पंजाबन का फोन ठीक है। हेलो जसमीत जी। मामी मैं बोल रही हूँ। हाँ, अरे पर आपके फोन से तो आप ही बोलोगे ना, कोई और थोड़ी ना बोल सकता है। हाँ, मैं बोल रही हूँ मामी। कुहू कुणाल को फोन दीजिए प्लीज। हेलो जसमीत जी, कुछ बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तेज बोलो। आप एक काम करो, आपकी वो सुई की तरह बहुत ही तीखी और कर्कश आवाज है ना, आप उसी में बात करो, मैं समझ लूंगी। हेलो को ये दवाई तो ले ले। थैंक यू मम्मा। भाभी, वर्षा भाभी, आपने मेरा फोन देखा, कहीं मिल ही नहीं रहा। नहीं, मेरा मतलब है मैंने नहीं देखा, आपने देखा है क्या? नहीं। अच्छा, अब भाभी एक काम करिए ना, अपने फोन से कॉल लगाइए, मेरा फोन जहां भी होगा मुझे मिल जाएगा। अरे निधि जी का फोन। निधि जी का? हेलो। हेलो वर्षा जी, वो जसमीत जी का फोन आया था मुझे, वो मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। नहीं, कितनी देर पहले फोन आया था? अभी अभी जस्ट। शायद गलती से लग गया होगा, मैं फोन रखती हूँ। जसमीन जी, तेरा फोन कुहू के पास था, इसने तेरा फोन इसलिए लिया क्योंकि इसे राजवंश सदन फोन करना था। मम्मा वो मेरा घर भी है। घंटी है, कोई मंदिर की घंटी नहीं जो बजाए जा रहे हो। आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण जसमीत जी। हाय चाची, पर सॉरी चाची, आज मैं कुहू से बात करके रहा। हाँ, कुणाल सही कह रहा है, आज हम कुहू से मिले बिना नहीं जाएंगे। अरे काम डाउन मिस्टिक। हाँ, मगर हम उसे मिले बिना क्या, आज हम उसे लेके ही जाएंगे। काम डाउन कुणाल, आज हम कुहू को लेके ही जाएंगे। तुम लोग काम डाउन, मैं उसे लेके ही जाऊंगा डेफिनेटली। कुहू काम डाउन, कुहू को तो हम लेकर ही जाएंगे। मीनाक्षी जी, आप भी चुक चुक करती हैं। जसमीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, मैंने गलत किया। अपने घमंड और गुरूर में, अपने गुस्से में मैं खुद जोक बन गई थी और गलत राह पर थी, पर अब मैं अपने परिवार के साथ हूँ और सही मार्ग पर चलूंगी। कुहू हमारे परिवार का हिस्सा है और कुहू को हम लेकर ही जाएंगे। मीनाक्षी जी, आप हमारी बात सुनिए, हम कुहू को लेकर ही जाएंगे। चाची आज मत रुकना, आज मैं लेके जाऊंगा चाहे जो हो जाए। कुणाल कहाँ है? अच्छा तो लेके जाओ ना। क्या? What? हाँ नहीं तो क्या, तुम दोनों मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे, वो तो कब से रेडी शेडी होके तुम्हारा वेट कर रही है। कुणाल ले जाते अपनी दुल्हनिया को। दुनिया में कई सारी चाचियां हैं, लेकिन कटरीना चाची ना सिर्फ एक ही और बेस्ट है। आई लव यू चाची, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय रब्बा, तभी तो मैं कहूँ कि कुहू तुझे तब प्यार क्यों करती है। तू है इतना क्यूट। अरे वेट क्या कर रहा है, जा मिल लो उससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू कुहू। भाभी, कुहू की खुशी कुणाल के साथ है। वर्षा जी,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। आंटी आप प्लीज एक बार कुहू को बुला दीजिए ना प्लीज। वो कुहू अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। What? कमरे में नहीं है मतलब वर्षा जी? हम सब जानते हैं कि कुहू प्रेग्नेंट है और ऐसे स्टेज में वो ऐसे कैसे कहाँ चली गई? मिसेस राजवंश, आज भी आपको सिर्फ अपने असली वारिस की पड़ी है, उसकी नहीं जो उसे जन्म देने वाली है। वो मेरी बेटी है, इस घर की बच्ची। आंटी रिलैक्स, वो शायद वॉक के लिए गई होगी, डोंट वरी। हाँ मैं देख क्या था। आंटी आप प्लीज बाकी कमरों में चेक कीजिए ना। वर्षा आंटी आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? कुहू आपको बिना बताए घर छोड़ के क्यों जाएगी? कोई रीजन ही नहीं है। रीजन है, मैंने उसे मना किया था कि अब वो कुणाल के पास उस राजवंश सदन नहीं जाएगी। भाभी कुहू कहीं नहीं मिल रही। हे माँ अम्बे, ये कुणाल कहाँ रह गया? कुणाल? माँ कुहू बाहर भी नहीं है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मिल नहीं रही। ओह गॉड। मम्मी आप कुहू को ये कहकर लाई थी इस घर में कि वो उस घर में सेफ नहीं है, तो अब वो कहाँ है? कुणाल मिष्टी मैं क्या गलत सवाल कर रहा हूँ? ये मेरी वाइफ को जबरदस्ती इस घर में लेकर आ गई, कुहू को मुझसे बात तक करने से रोक के रखा। कुणाल मैंने वही किया जो उसके लिए सही था। नहीं मम्मी आपने वो किया जो आपको सही लगता था। आप लोग कब अपने बच्चों पर ट्रस्ट कर पाएंगे? कुहू इतनी इम्पल्सिव है, इस वक्त वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का टाइम इतना पास आ रहा है और ऐसे टाइम पे आपने उसे स्ट्रेस आउट कर दी। कुहू प्रेग्नेंट है, सरोगेट, भाई और मिष्टी की बेबी को जन्म देने वाली है। आई नो कि आपको कुहू की चिंता है जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे कुहू की भी चिंता है और उस बेबी की भी चिंता है। यहाँ पे खड़ा हर इंसान कुहू से बहुत प्यार करता है, चाहे वो आंटी हो या कुणाल हो, और ये गुस्सा ये चिंता ना सब उसी प्यार का प्रूफ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर कुहू को ढूंढना होगा, और यही बात माँ आपको बताने आई थी आंटी, है ना माँ? आंटी माँ को भी लगता है कि कुहू के बिना हमारा परिवार अधूरा है, और इसलिए आपको यहाँ पे मनाने आई। वर्षा जी मैंने गलती की है, और सचमुच मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलती के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मम्मी भाई ने भी माँ को अभी तक माफ नहीं किया, अगर आप भी नहीं करना चाहती हैं तो इट्स ओके, वी गेट इट। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माँ सचमुच बहुत शर्मिंदा है, बहुत पछता रही है, और मुझे और मिष्टी को माँ पर पूरा भरोसा है। कुहू का मैसेज है, कुहू कह रही है मम्मा # मैं और इस लॉकअप में नहीं रह सकती, आई लव कुणाल, मैं कुणाल के पास वापस जा रही हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।